तो चैप्टर फोर है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मीन्स होता है वर्ल्ड वाइड, मीन्स पूरे विश्व में, और वार्मिंग मीन्स, वार्म मीन्स होता है गर्मी, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग, तो पूरे विश्व में जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती थी, और टाइम टू टाइम एवरी ईयर जो हमारे यहाँ की गर्मी है, मीन्स समर सीजन में जो टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है, जिससे हमको और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर पर जो गर्मी बढ़ती जा रही है उसका रीजन क्या है, ये इतनी ज़्यादा टेम्परेचर इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है, और इसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल वार्मिंग इज ए सिचुएशन इन विच द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड बिगिंस टू राइज, लीडिंग टू लॉस टू द लिविंग बिगिंस लिविंग इन द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग एक सिचुएशन होती है विच द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड बिगिंस टू राइज। तो ग्लोबल वार्मिंग एक सिचुएशन है जब वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज का टेम्परेचर राइज मीन्स इंक्रीज होने लगता है, लीडिंग टू द लॉस टू द लिविंग। और जो लिविंग मीन्स क्या, जो लिविंग थिंग्स होती हैं हमारे यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक लिविंग दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग में हम लोग आते हैं जो जीवित हैं, खाते पीते हैं, बढ़ते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। आपने देखा होगा बिफोर सम ईयर्स आपके आसपास बहुत सी बर्ड्स रहती थी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है बर्ड्स कम होती जा रही हैं, एनिमल्स कम होते जा रहे हैं, और इसका इफेक्ट अब ह्यूमन लाइफ पे भी पड़ने लगा है। जो ह्यूमंस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो एक्सपायर हो जाते हैं, लॉस ऑफ बिगिंस लिविंग इन द वर्ल्ड। तो ये सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, सभी कंट्रीज में ऐसा हो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ की जो लिविंग थिंग्स होते हैं एनिमल और ह्यूमंस, जब वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उनकी डेथ हो जाती है। इफ़ वी से दैट द अर्थ इज इन एग्जिस्टेंस फॉर 60 मिनट्स, अगर हम ये मान लें जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ये 60 मिनट से है तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो गए इसको कम्प्लीट हुए, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। और जो अर्थ है हमारी ये 60 मिनट से यहाँ पर है, देन ह्यूमन ऑर्गेनेटेड जस्ट 4 सेकेंड्स एगो। तो अर्थ की कंपेरिजन में जो ह्यूमन्स हैं, इंसान हैं हम लोग, ये वो 4 सेकेंड्स पहले ही यहाँ पे आए, 4 सेकेंड पहले ही यहाँ पर आए हुए हैं। अब एक बार आपको यहाँ पे ये समझ लीजिए, 60 मिनट अर्थ कितनी पुरानी है, 60 मिनट, और दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जो अर्थ है वो हमारी 60 ईयर पुरानी है, 60 ईयर्स से है हमारी अर्थ, और हम लोग कितने टाइम से हैं, हम लोगों से मीनिंग है ह्यूमन्स, जो आप इतनी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं भगवान की बाकी सबकी, जो ह्यूमन्स जब से स्टार्टिंग हुई है आदि मानव की, ठीक है, तो उनको सिर्फ अभी 4 मंथ्स ही हुए हैं। अगर 60 ईयर्स हो गए हमारे अर्थ को तो हमें ओनली 4 मंथ हुए, अगर हम 60 मिनट्स मान लेते हैं तो हमें सिर्फ 4 सेकेंड्स हुए हैं। एंड इन दोज 4 सेकेंड्स, और इन 4 सेकेंड्स में हमने क्या किया है, वी हैव डिस्ट्रॉयड हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट। इन 4 सेकेंड्स में हमने वर्ल्ड का हाफ इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया है, फिनिश कर दिया है। एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, जो ज़मीन के ऊपर की जो एरो, जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, जिस एयर को हम लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं आसपास की हमारी एयर होती है उसी के थ्रू हम सांस लेते हैं, उसमें जो ऑक्सीजन होती है, अदर गैसेस होती हैं, ठीक है, इस सबको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब आप समझिए, अगर हमें 4 सेकेंड्स में हाफ वर्ल्ड के हाफ इन्वायरमेंट को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो आने वाले टाइम में हम क्या नहीं कर सकते, एक तरह से 100% इन्वायरमेंट को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद इस अर्थ पे जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप बोल सकते हैं जीवित रहना इम्पॉसिबल है, कोई भी यहाँ पे जीवित नहीं रहेगा, सभी डेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया, इसको समझ लीजिए, द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी कौन सी है, जो अभी कॉन्टीन्यूसली चल रही है, 2020 के बाद में जो 2000 के बाद में जो सेंचुरी स्टार्ट हुई है इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी, हैज सीन द मोस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड्स ब्रोकन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। 21st सेंचुरी में आपने देखा है कि बहुत हिस्ट्री के, हिस्ट्री मीन्स बहुत साल पहले के, बहुत से ऐसे टेम्परेचर के रिकॉर्ड थे जो टूट गए हैं। एंड 2016 वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड सिंस 1880, और 1880 से अभी तक काम कंपेरिजन करें
तो जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर थी वो हमारी 2016 थी। 2016 में हमारे यहाँ का टेम्परेचर मीन्स वर्ल्ड वाइड सभी प्लेसेस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था। अब ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है इसको आप समझ लीजिए। द एक्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जिस तरह से हम पेड़ों को और जंगलों को काटते जा रहे हैं इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, अभी आपके सिलेबस में भी आपने पढ़ा होगा, जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम अपनी सांस को बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सॉरी, तो आपको पता है जो प्लांट्स हमारे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। जब हम प्लांट्स काटते चले जाएंगे, जब प्लांट्स बचेंगे ही नहीं तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा, तो हमें कोई ऑक्सीजन ही नहीं देगा। फिर जो भी हम बाहर निकाल लें कार्बन डाइऑक्साइड वही चारों तरफ एटमॉस्फेयर में हो जाए, फिर से हम उसी के थ्रू सांस लेंगे, तो ऑक्सीजन हमें एक प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगा और जिससे कि हम इल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे और उसके बाद में धीरे धीरे हमारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए कुछ टाइम पहले तक जब हमारे आसपास बहुत से फॉरेस्ट थे तो हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती थी। आजकल हम डे बाई डे, आपने देखा होगा सिटीज में हम एक से बढ़ के एक अच्छी बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, बट वहाँ पे जितने प्लांट्स थे उसको हम काटते जा रहे हैं। इसी तरह से जंगल से फॉरेस्ट हुआ करते थे उसको भी काट काट के उसकी जो लकड़ी होती है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं और न्यू प्लांट्स हम लगाते ही नहीं, प्लांटेशन करते ही नहीं है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा पीछे ना जाकर के आप अभी का एग्जांपल ले लीजिए, अभी कुछ टाइम पहले तक या करंटली हमारे कोरोना चल रहा है, कोरोना पैंडमिक, ठीक है। तो कोरोना पैंडमिक में क्या होता है, जब यह कोरोना अटैक करता है तो सबसे पहले ह्यूमंस का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। ह्यूमंस का जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो हम प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं ले पाते, इससे हमारी हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है और हमारी डेथ हो जाती है। अगर हमारे पास एनफ ट्रीज और फॉरेस्ट होते तो आज शायद ये प्रॉब्लम ना आती। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऑक्सीजन भी इस तरह से मार्केट में बेची जाएगी, सेल की जाएगी। जो 5000 का सिलेंडर था वो 50000 में बिक गया। और इसी तरह से जो अभी हमारे यहाँ वाटर 20-20 रुपीज़ पर लीटर जो वाटर की बोतल में हमें पानी मिल जाता है और हमारे घर पे समर लगी हुई है, हम सुबह ऑन उठते हैं समर का बटन ऑन कर देते हैं, पूरे दिन पानी फैलाते हैं, हमको लगता है कि हमारे पास पानी बहुत है। आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपकी जो समर ये पानी देना बंद कर देगी और आपको पानी और ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा। जो अभी 20 रुपीज़ में पर लीटर आप परचेज कर रहे हो, यही आने वाले दिनों में 200 रुपीज़ पर लीटर भी हो जाएगा, तब आपको पानी की कीमत समझ में आएगी। जिस तरह से आज ऑक्सीजन की कीमत समझ में आ रही है, क्योंकि हम पेड़ों को तो लगाते नहीं हैं, पेड़ बराबर काटते चले जा रहे हैं। ये सबसे मेन रीज़न होता है डिफॉरेस्टेशन और जो पॉल्यूशन क्रिएट करने का। प्लांट्स क्या करते हैं, जितनी भी गंदगी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमें फ्रेश एयर देते हैं। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं एक फिगर दिया गया है, इस पे ऊपर लिखा हुआ है ओजोन। ये ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर होती कहाँ पे है, मान लीजिए कि ये हमारी एक अर्थ है और ये यहाँ पे सन है, तो सन की जो रेज आती हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे अगर आ जाएं तो अर्थ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी अर्थ और सन के बीच में एक लेयर होती है यहाँ पे, जिसको नाम दिया जाता है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या करती है, ये जो सन की रेज आती हैं, हार्मफुल रेज होती हैं, उनको वहीं पर रोक लेती है और बहुत ही लिमिटेड रेज को अर्थ तक आने देती है, जिससे कि हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ओजोन में हमें क्या क्या मिलता है, ओजोन लेयर में एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस का हम बहुत ज़्यादा यूज करते जा रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस आर मेड आउट ऑफ, और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये बनती कैसे वो समझ लीजिए। तो ओजोन लेयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है आपका 6%, एफ गैसेस होती हैं 2%, मीथेन होता है आपका 16%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, यहाँ पे जंगल्स होते हैं वो लैंड होती है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी 11%। बट कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में 65% यूज हो रहा है।
जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारी कम होती जा रही हैं और हमारे सामने डेली एक न्यू प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। तो हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका यूज कम करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा हम प्लांटेशन कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ मेकिंग लैंड वाटर एंड एयर डर्टी एंड अनफिट फॉर लाइफ इज नोन एज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन होता क्या है? पॉल्यूशन मीन्स गंदगी जो हम एटमोसफियर में चारों तरफ फेंक देते हैं। द एक्ट ऑफ मेकिंग लैंड, हम क्या करते हैं अपने घर का कूड़ा कचरा जितना गार्बेज होता है उसको कहीं पर भी फेंक देते हैं। वाटर, पानी को गंदा कर रहे हैं। आजकल हमारे यहाँ बहुत सी योजनाएं चल रही है गंगा को स्वच्छ बनाना है, लेकिन स्वच्छ बनाएंगे कैसे? जितनी भी सिटीज़ के नाले का पानी होता है वो सीधे गंगा जी में जाता है, फैक्ट्री का जो पानी होता है वो भी सीधा गंगा जी में जाता है, किस तरह से ये प्योर हो सकती हैं? एंड एयर, और एयर किस तरह से गंदी होती है? ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट्स और फैक्ट्रीज से। आपने देखा होगा आप बाइक लेके निकलते हैं, फोर व्हीलर्स लेके निकलते हैं बाइक्स, इनमें से जो एयर निकल धुआं निकलता है स्मोक वो चारों तरफ हमारी एयर में मिल जाता है। या फिर फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे फैक्ट्रीज आपके यहाँ पे विलेजेस में तो कम होती हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं जो ईंट भट्टे होते हैं ब्रिक्स जहाँ पे बनाई जाती हैं, ईंटें बनाई जाती हैं, वहाँ कितना काला धुआं निकलता है, ये सभी एयर में मिल जाता है जिससे कि हमारी एयर भी पॉल्यूटेड हो जाती है और डर्टी हो जाती है। एंड अनफिट फॉर लाइफ, जिसको हम अपनी लाइफ में यूज नहीं कर सकते इस नोन एज पॉल्यूशन। तो इस तरह से पॉल्यूशन सभी तरह से हमारे आसपास बढ़ रहा है, लैंड से, वाटर से और एयर से। पॉल्यूशन इज ए मेजर काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही मीन्स वर्ल्ड वाइड जो टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है उसका मेन रीजन क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन अगर मैक्सिमम हम प्लांटेशन करेंगे, लैंड वाटर और एयर को हम जितना क्लीन रखेंगे उतना ही ग्लोबल वार्मिंग हमारा अच्छा रहेगा, मीन्स टेम्परेचर लो रहेगा, विच इज मेनली कास्ट बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ता है किससे? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, कोल, इनको सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को काटने से, वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड एनिमल वेस्ट, और इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकलता है उसको डायरेक्टली हम पानी में मिला देते हैं, एनिमल वेस्ट जिसको हम ज़मीन पर कहीं पर भी फेंक देते हैं। तो ये सभी मेन रीजन्स हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, और पॉल्यूशन जब इंक्रीज होता है तो उसका डायरेक्टली असर किस पर पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग पे। और हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज होने लगता है। ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद वेरी लिटिल और नो रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट। जब एक लंबे समय तक किसी भी एक जगह पर बहुत कम बारिश होती है, फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रॉट, सूखा पड़ना। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर बाढ़ आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। बहुत से एरिया ऐसे होते हैं मोस्टली इन साउथ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे बाढ़ की जहाँ पे सूखा पड़ता है, वहाँ पे महीनों तक बारिश ही नहीं होती है, तो वहाँ पे पानी नहीं मिलता और उनकी सभी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो ये सभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट्स लाइक सहारा एंड गोबी आर एक्सपेंडिंग एट अ रैपिड रेट बिकॉज ऑफ द लैंड टर्निंग बैरन। जो डेजर्ट्स हैं आपके लाइक सहारा और गोबी, ये डे बाई डे इनका जो एरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एरिया इंक्रीज क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ जो रेन होती थी वो कम हो गई, बारिश अब हो नहीं रही है, और जो जंगल थे वो भी हमने काट दिए, तो वहाँ पर ना तो बारिश हो रही ना पानी बचा हुआ है। जब बारिश भी नहीं हो रही और पानी भी नहीं बचा हुआ है, फॉरेस्ट भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चारों तरफ रेगिस्तान बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। ओजोन लेयर मेड अप ऑफ ऑक्सीजन, जो ओजोन लेयर होती है वो ओजोन से बनी होती है, एक टाइप ऑफ ऑक्सीजन जो एक तरह की ऑक्सीजन ही होती है। प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम टू मैनी हार्मफुल रेज UVB। और जो ओजोन लेयर ऑक्सीजन होती है ये हमें बहुत सी हार्मफुल रे से बचाती है, जो सन से डायरेक्ट रेज हमारी अर्थ पे आती हैं उन सभी हार्मफुल रेज से ओजोन लेयर हमें सेव करती है। विदाउट इट वी ऑल वुड डाई, और ये ओजोन लेयर ना हो तो हम सभी डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैनी आइसलैंड कंट्रीज एंड कोस्टल सिटीज हैव द फियर ऑफ डिसअपीयरिंग अंडर वाटर ड्यू टू इंक्रीजिंग सी लेवल। बहुत से आइसलैंड क्या होते हैं? आइसलैंड वो कंट्रीज होती हैं या वो एरिया होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, समुद्र होता है, और समुद्र के बीच में छोटे से टापू होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उसको हम आइसलैंड बोलते हैं।
एंड कोस्टल सिटीज़। कोस्टल सिटीज़ मीन्स वो सिटी जो समुद्र के बिल्कुल किनारे पे होती हैं। हैव द फियर ऑफ डिसअपीयरिंग, जो आइसलैंड है और कोस्टल सिटीज़ हैं, इन सभी को अपने गायब होने का डर लगा रहता है कि किसी कभी कभी हम एक टाइम वो आएगा कि हम डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर चले जाएंगे, ड्यू टू इंक्रीजिंग सी लेवल, क्योंकि सी लेवल जो समुद्र का पानी है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दिस इंक्लूड्स मुंबई एज वेल, जिस तरह से हमारी मुंबई है, मुंबई में जैसी भी थोड़ी बारिश होती है वैसी बाढ़ आ जाती है और उसके बाद में क्या पूरा पानी समुद्र में चला जाता है। इस तरह से आपने देखा, जब भी आपकी सिटीज में बारिश होती है पूरा पानी नाले से होते हुए नाले में या नाले से नदी में जाता है, नदी से सीधे समुद्र में मिल जाता है। तो ये सब पानी जब समुद्र में इकट्ठा होता है तो उससे क्या होता है, सी लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है और सी लेवल इंक्रीज होने से जो सी के किनारे के स्टेट्स होते हैं सिटीज होती हैं वो डेंजर में आती है। अगर इसी तरह से सी लेवल इंक्रीज होता रहा तो एक दिन पूरा हर शहर पानी के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी सिक्स स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरी सिक्स स्पीसीज मीन्स होता है प्रजातियाँ, प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमारे प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, हर सिक्स में से एक, सभी सिक्स में से एक प्लांट और एनिमल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिनिश होता चला जा रहा है, गायब होता चला जा रहा है। आपने देखा हो बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको आजकल हम सिर्फ पिक्चर में देखते हैं, आज वो रियल में अवेलेबल ही नहीं है, डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। उसी तरह से बहुत से प्लांट्स हैं जो पहले हुआ करते थे आज नहीं है हमारे पास। अराउंड 1 मिलियन एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मिलियंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, दुर्लभ हो गए, जो हमें देखने को शायद ही कभी देखने को मिलते हैं, हम बोल सकते हैं गायब हो गए, डेड हो गए हैं। इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूस एट इट्स करंट स्पीड, तो डिफॉरेस्टेशन जो चल रहा है, जो जंगलों की कटाई जिस स्पीड में चल रही है, जिस तरह से हम जंगलों को काटते जा रहे हैं और ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा, देयर विल बी नो फॉरेस्ट लेफ्ट इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, तो अगले 50 ईयर्स में कोई भी फॉरेस्ट नहीं बचेगा। मोर ग्रीन हाउस गैसेस आर इन अवर एटमोसफियर टूडे देन एनी टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस थी जो हम यूज कर रहे हैं, जितनी आज है, ये पहले कभी भी नहीं थी, इसलिए हमारा एटमोसफियर बहुत ही क्लीन था। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू रन कम्प्लीटली ऑन सोलर पावर। जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो कम्प्लीटली सोलर पावर से एग्जीक्यूट होता है। ऑल दो 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, हालांकि अर्थ का जो 71% है वो पानी से घिरा हुआ है, पानी से ढका हुआ है। अर्थ में हमारे अर्थ अगर 100% है तो 100% में से 71% वाटर है, बट ओनली 2.5-3% इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। देखिए 71% में से 2.5-3% ही वाटर ऐसा है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे पास वाटर भी फिनिश होता जा रहा है, तो इस तरह से हमें बहुत ही ध्यान से वाटर को यूज करना, वाटर को वेस्ट नहीं करना है, जिससे कि ये हमारे आगे काम आता रहे।